आज का विचार, विश्व कल्याण करने वाला एकमात्र ईश्वर ही है। वेदामृत पान करने वाले प्रिय पवित्र आत्माओं, यह सच है कि यह मनुष्य का जन्म बड़ा सौभाग्य से प्राप्त हुआ। कभी किसी कवि ने कहा है, नरत्वम दुर्लभम लोके, संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। और किस लिए इसको दुर्लभ कहा गया है? क्योंकि मनुष्य के शरीर से ही, मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर को भी जानने में समर्थ है, दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर से ही कर सकते हैं, पशु पक्षी नहीं कर सकते। पशु पक्षी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं, वो वेद को समझने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, वो जानते भी नहीं है। इसलिए मनुष्य का जो है शरीर, यह अत्यंत सौभाग्य से मिला है। लेकिन अगर हमारे अंदर ना ज्ञान रहा, ना गुण रहा, ना हमारे अंदर विद्या रही, ना हमारे अंदर भक्ति रही, तो हम भी पशु ही बन जाएंगे या पशु के तुल्य समान ही हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रभु ने इस मनुष्य के शरीर के अंदर ही हम उस प्रभु को भी समझे और उसका दिया हुआ ज्ञान को भी जाने, इसलिए हमारा जो मनुष्य का शरीर को श्रेष्ठ बताया गया है। बड़े ही सुंदर ढंग से ऋग्वेद के अंदर एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। लोग कहते हैं तप करना, दान करना, पुण्य करना किस लिए है? क्या सचमुच हमारा कुछ होगा? क्या सचमुच इसका पुण्य फल मिलता है? इसका प्रमाण क्या है? लेकिन बड़ा ही सुंदर ढंग से यहाँ पर हमें प्रमाण भी उपलब्ध होता है। बड़े अच्छे ढंग से कहा गया है, यदंग दास से। और क्या कहता है कि हे अंग स्वरूप प्रिय परमपिता परमात्मन, जैसे हमें अपने शरीर का कोई भी अंग बुरा नहीं लगता, सारे अंग हमारे लिए प्रिय होते हैं, तो इसी तरह अंग की तुल्य प्रिय परमपिता परमात्मा। और कैसा ना अग्नि स्वरूप, अग्नि के साथ तुलना की गई है, अर्थात संसार को गति देने वाला व्यापक परमपिता परमेश्वर, तुम जो है सर्वदा कल्याण करते हो। लेकिन किसका, किसके लिए? कहते हैं दासु से, देने वाले, जो दान की भावना रखते हैं, जो समर्पण की भावना रखते हैं, जो अपने जीवन को परोपकार के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए जीवन का दान कर देते हैं, ऐसे दासु से, ऐसे देने वाले, ऐसे यजमान, ऐसे संसार में समर्पित व्यक्ति के लिए तुम सर्वदा भद्रम करिष्यति, तुम कल्याण ही करते हो। कहता है कैसा ना, तवे तत् सत्यमंगिरः, हे अंग अंग में रमण करने वाले अंगिर परमपिता परमेश्वर, यह जो तुम्हारा नियम है ये अटल है, ये सत्य है कि तुम करते ही हो ऐसा। और जो दुष्ट है, जो दुर्जन है, जो पापी हैं, उनके लिए भी तुम कल्याण करते हो। लेकिन कैसे करते हो? उनको दंड देते हो।
इसीलिए तुम्हारा रुद्र रूप है। लोगों ने तो अपनी काल्पनिक रुद्र रूप बनाया कि रुद्र का नृत्य दिखाया, लेकिन रुद्र का अर्थ वो है जो दुष्टों को रुलाने से, दुष्टों को, पापियों को, कुकर्मियों को, उनको दंड देकर रुलाने वाले परमपिता परमेश्वर है, इसलिए उनका नाम रुद्र है। और जो इसके विपरीत है, जो अपने जीवन का उत्सर्ग करता है, जो तप करता है, तो उस व्यक्ति के लिए तुमने सर्वदा कल्याण किया है, करते ही हो। कहता है ये जो नियम है ये अटल है, ये सत्य है, ये संसार में देखा गया है। उदाहरण हमारे सामने आते हैं और हमारे जीवन का और लोगों को ये अनुभव भी हो सकता है। ठीक है, कभी लगता है कि देने वाले, अच्छे कर्म करने वाले हमें दुखी नजर आते हैं, लेकिन वह जो दुख है वो बाह्य दुख है, क्योंकि उनके अंतरात्मा में जो शांति है, जो पवित्रता है, जो प्रसन्नता है, वो छीनने वालों को कभी नहीं मिल सकता। संसार में लोगों को जो भ्रम है, जो अज्ञानता है, कई बार लोग कहते हैं सत्य पर चलने वाला बड़ा दुखी होता है, लेकिन नीति शास्त्र हमें कहता है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु बन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायथेष्टम् अदैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथम् प्रविचलन्ति पदम् न धीराः। कितने सुंदर कहता है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु बन्तु, चाहे हमारी कोई प्रशंसा करे, चाहे हमारा कोई निंदा करे, और निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायथेष्टम्, चाहे हमारे पास कितने धन आए अथवा हमारे पास से धन संपत्ति समाप्त हो जाए, फिर भी हमें कोई उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। और आगे क्या कहता है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायथेष्टम् अदैव वा मरणमस्ति, चाहे हमारी मृत्यु आज हो जाए अथवा युगांतरे वा बहुत दिनों के बाद है, लेकिन उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, न्याय के मार्ग पर हमें डटे रहना चाहिए। न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीराः, जो धीर मनुष्य होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिन्होंने धर्म और ज्ञान और ईश्वर को अपने हृदय में स्थान दिया है, ऐसे व्यक्ति न्याय के रास्ते पर पथ से कभी नहीं हटते, कभी मार्गच्युत नहीं होते। इसलिए हमें वैसे व्यक्तियों का, महापुरुषों को देखना चाहिए, उनके जीवन हमारे लिए प्रमाण है, ऋषियों का जीवन हमारे लिए प्रमाण है, जो लोग जहर पीकर भी संसार को अमृत पिलाते गए, ऐसे व्यक्तियों का जीवन हमारे लिए उदाहरण है। कई बार व्यक्ति की सोचता है कि यूं कहते हैं आचार्य जी मैं तो कभी कभी सच भी बोल लेता हूँ, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कई बार कि मैं तो कई बार सच भी बोल लेता हूँ, लेकिन हमारे दफ्तर में एक व्यक्ति काम करता है वो तो हमेशा ही झूठ बोलता है। कोई कहता है मैं तो कभी कभी यज्ञ कर लेता हूँ, लेकिन पड़ोसी है वो तो कभी भी नहीं करते। कहते हम तो कभी कभी सत्संग में चले भी जाते हैं, लेकिन हमारी पड़ोसी है, हमारे साथ काम करने वाले, वो तो कभी सत्संग के नाम ही नहीं लेते। लेकिन ये गलत है, हम अपने जीवन की तुलना साधारण से साधारण व्यक्तियों के साथ नहीं, बल्कि जिसका जीवन हमसे ऊंचा है, जिसका जीवन आदर्श है, जिसका जीवन महान है, उन महापुरुषों के साथ हम अपने जीवन की तुलना करके देखें हम कितने नीचे हैं, वो हमसे कितने ऊपर है। तो हम अपने जीवन को हमसे जो सत्य में आगे, धर्म में आगे, सदाचार में आगे, जिनका आत्मा महान है, जो श्रेष्ठ पुरुषों के साथ, कभी तो मिला के देखे, हम अपने आप को बहुत नीचे पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। तो इसलिए संसार के लोगों, वेद के अनुसार अपने जीवन को हम अगर ढाल कर देखें तो हमारे जीवन में अनेक त्रुटि मिलेंगे, और इसी के कारण ही हम दुखी हैं। दुख के कारण तो हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन दुख के कारण हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही दुख का कारण है, हम स्वयं इस दुख का कारण बनते हैं,
हम स्वयं अपना कर्म ही हमें दुख के ओर ले चलता है, और हमारा जो महान कर्म है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी जीवन का दृष्टिकोण है, हमारा संस्कार है, अच्छे संस्कार, वही हमें सुख और ऐश्वर्य के मार्ग पर ले चलते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को जो है वैसे बिताएं, तो कहते हैं यही हमारी तरह ही तो व्यक्ति है जो योगी भी बनते हैं, हमारी तरह व्यक्ति है जो मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, हमारी तरह ही व्यक्ति है जो श्रेष्ठ योगी ऋषि भी बने हैं, लेकिन हम नहीं बन पाए क्योंकि हम उस आदर्श में नहीं चल पाए, ऐसे संस्कार को हम जीवन में धारण नहीं कर पाए, इसलिए हमारा जीवन जो है वैसा हुआ है। वेद में हमें जो उपदेश मिला है, जो विधि और निषेध दो प्रकार के कर्म बताए गए, विधि का अर्थ हमेशा करना और निषेध का अर्थ हमेशा नहीं करना। उदाहरण स्वरूप जो उपनिषद में भी आया है जिसको ईशोपनिषद कहते हैं, और जो यजुर्वेद का भी है, उसमें कहा मा गृथः, हे संसार के लोगों, तुम लोग मत करो, कस्यस्वित धनम, जरा विचार करो ये धन किसका है, ये तुमने बनाया, ये संपत्ति तुमने बनाई, एक गेहूं जो है तुम्हारा है, एक धान तुमने बनाया, तो तुम किसके लिए लोभ करते हो। हमें जब ये चिंतन वेद से मिलता है, तो विचार और चिंतन व्यक्ति का जीवन को परिवर्तन कर देता है। हम कहते हैं तुम अपने जीवन का परिवर्तन करो, जीवन का परिवर्तन का मार्ग क्या है, जब व्यक्ति का विचार परिवर्तन हो जाता है तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, जब उसकी बुद्धि परिवर्तन हो जाती है तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए तो गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है, हियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभु मेरे बुद्धि को आप श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए, मेरे बुद्धि को वेद मार्ग पर चलाइए, मेरे बुद्धि को महान मार्ग पर चलाइए, ताकि मेरा जीवन भी बदल जाए, मैं भी अच्छा हो जाऊं, और साथ साथ एक व्यक्ति अच्छा होता है तो दूसरों को भी अच्छा बनाता है। इसलिए हम ये वेद की जो पवित्र वाणी को समझे और जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें, क्योंकि जीवन को ही अच्छा बनाने के लिए समस्त कार्य करता है। जीवन ही अगर अच्छा नहीं बना तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे हैं, और हम ये नहीं विचार कर सकते हैं कि हमारा जीवन अच्छे मार्ग पर चल रहा है। इसलिए पहले हमें अपना जीवन को देखना चाहिए, और जीवन भी जीवन की तरफ होना चाहिए। कभी किसी कवि ने कहा, वह जीवन भी क्या जीवन है, वह जीवन भी क्या जीवन है, जिस जीवन में जीवन ही ना हो। जीवन तो जीवन की तरफ होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, जीवन प्रफुल्लित होना चाहिए, उसी का नाम जीवन है। घुट घुट कर जीना कोई जीना होता है, वो कोई जीवन है, तो इसलिए हमें जीना भी सीखना है, और जीना भी हमें कौन सिखाता है, वेद सिखाता है। इसलिए तो कहा है, सागर में सागर भरा वेद वाणी, चौरी सियो द्वारा गई जो पखानी, इसी दीप से मन का दीपक जलाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ, परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ।